हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? और अभी मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ और मेरे साथ साथ बच्चे, ये सब लोग रेडी हो गए हैं। और आज हम सब लोगों ने घूमने का प्रोग्राम बनाया है। आज सैटरडे है तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कहीं घूम आते हैं, बच्चों को भी घुमा कर लाते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली के चिड़ियाघर घूमने, और आज मैं तो घूमूंगी ही, अपने साथ साथ मैं आप सब लोगों को भी घुमाने वाली हूँ। और अभी जाने से पहले मैंने लंच बनाकर पैक कर लिया है, घर की क्लीनिंग वगैरह ये सब कुछ मैंने कर दिया है, और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। तो आज मैं कैसी लग रही हूँ? कभी कभी मैं रेडी होती हूँ, जब कभी मुझे कहीं जाना होता है मैं तभी रेडी होती हूँ। घर में तो हर समय कोई रेडी होकर नहीं रह सकता है। तो मैं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने ये न्यू लिप शेड लगाया है जो मैंने कल के वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, जो मैंने L18 के दो न्यू लिप शेड लेकर आई हूँ, तो मैंने उसी को अभी लगाया है। कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? और तो चलिए जल्दी से चलते हैं। डियर काव्या, हेलो, कहाँ जा रही हो आप? चिड़िया दिल्ली। चिड़िया दिल्ली। और बहुत ज़्यादा आज सर्दी है तो इसलिए बच्चों को मैंने बहुत ही अच्छे से पैक कर दिया है। और यहाँ पर बैठा है कार्तिक। हेलो कार्तिक। हेलो। चिड़िया हाउस जा रही है। चिड़िया हाउस जा रही है। और यहाँ पर पति देव बैठे हुए। हेलो। हेलो। और मशीन के ऊपर मैंने ये कार्तिक की ड्रेस निकाल कर रख दी है क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ इसको वॉश करना। कल का भी हम लोगों ने प्रोग्राम है जाने का, क्योंकि हमें शॉपिंग भी करनी है। अगर आज शॉपिंग रह जाती है तो कल हमें फिर से जाना पड़ेगा। तो मैंने कार्तिक की ड्रेस को सामने ही रख दिया है कि मैं वापस आकर आज इसको वॉश करना है। और अगर मैं इसको हटा कर रख दूंगी तो हो सकता है मेरे माइंड से ही स्लिप हो जाए कि मुझे इसे क्लीन भी करना है। तो अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं और अपने साथ साथ आज आपको भी घुमाते हैं। तो चलिए। चिड़िया 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 क्या देखूंगी वहाँ पर? चिड़िया पहले चिड़िया से बात है, मतलब चिड़िया, फिर पैरट, और फिर लॉयन, हाथी, बस कितने से एनिमल देखेंगे वहाँ जाकर? और लायन, टाइगर, हिप्पोपोटामस, गोरिल्ला, और आगे देखो बेटा, सामने से काव्या का मन था दोनों ही बच्चों का कि इनको चिड़ियाघर देखना है, लेकिन तो हम एनिमल डॉल देखने गए थे। हाँ, लास्ट टाइम हम एनिमल डॉल देखने गए थे। लास्ट टाइम? हाँ, लास्ट टाइम चिड़िया पहले पहले तो उसके बाद हाथी, उसके बाद गोरिल्ला, उसके बाद गोरिल्ला, उसके बाद गोरिल्ला बोलते हैं, बोलती है गोरिल्ला, गोरिल्ला बोलो, गोरिल्ला, उसके बाद हिप्पो, हिप्पो, हाँ बस, बस इतने एनिमल, हाँ, मतलब जो भी होगा सब कुछ देखूँगा, और धोला भी, और धोला, 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 हॉर्स, हाँ, हॉर्स बोलो, हॉर्स, हॉर्स तो क्लियर है, हॉर्स बोलो, हॉर्स, बस। फ्रेंड्स, फाइनली हम घर से निकल आए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं चिड़ियाघर घूमने के लिए। और सबसे पहले आज हम चिड़ियाघर घूमेंगे, हाँ। उसके बाद हम लोग जाएंगे CP, वहाँ से हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और आज पूरा दिन हम लोग घूमने ही वाले हैं, आज सैटरडे है तो हमने घूमने का प्रोग्राम बनाया, थोड़ा सा बच्चों को घुमा देते हैं, शॉपिंग तो करनी ही है, तो शॉपिंग भी करेंगे। और क्या शॉपिंग करेंगे ये मैं देखती हूँ आज कुछ शॉपिंग हो पाती है या नहीं, क्योंकि शॉपिंग करने तो कल से शॉपिंग नहीं हो पाई थी, तो काम है साथ।
चिड़ियाघर पहुंच गए हैं और यहाँ पर अभी पीछे बैठकर मैंने खाना खाया था और अभी हम लोगों की चिड़ियाघर में एंट्री नहीं हुई है। अंदर जाने के लिए हम लोगों ने टिकट ले लिया है और टिकट जो है हमें 40 रुपये का नहीं अभी नहीं और मिला है और काव्या का टिकट नहीं लगा है और कार्तिक का टिकट 20 रुपये का मिला है और हमें बताया गया कि जो हम लंच बनाकर लाए थे कि अंदर खाना पीना अलाउ नहीं है तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले पीछे बैठकर इस तरीके से टेबल और साइड में बेंचेस बनाई गई हैं तो हम लोगों ने यहाँ बैठकर लंच कर लिया है और यहाँ पर बहुत सारे मतलब बाहर की तरफ ये पूरा ग्राउंड एरिया है अच्छे से बनाया गया है तो सब लोग यहाँ पर अपना लंच कर रहे हैं। आपको वीडियो में दिख रहा होगा पीछे की तरफ जितने भी बेंचेस हैं सब जगह पर आप ऐसे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एंट्री करने के लिए। क्या हुआ? बैग देख लो, अगर नहीं जमा करे तो ले चलेंगे। करेगा तो फिर कर दो फिर दूध रहने दो फिर। हाँ अगर ज़्यादा टाइम थोड़े नहीं लगेगा, अंदर कितना लग जाएगा पता नहीं है कुछ। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे चिड़ियाघर में और एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर पीछे और ये है पूरा इधर एंट्री एरिया और यहीं से टोकन मिलता है और यहीं से एंट्री होती है। तो अभी हम लोग बस एंट्री करेंगे और ये गए हैं बैग जमा करने के लिए। तो जो भी अगर जो लोग एक्स्ट्रा सामान लाते हैं या फिर बैग वगैरह लाते हैं तो वो सब बैग बाहर ही जमा कर दिए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने लंच तो कर लिया है क्योंकि अंदर कितनी देर लगने वाली है कुछ पता नहीं है। बच्चों को भी खाना खिला दिया सब कुछ और उसके बाद हम लोगों ने अपना बैग जमा कर दिया है तो ये आ गए हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर के लिए। बंदर की आवाज आ रही है, पक्षियों की आवाज आ रही है। अभी कुछ नहीं दिखा ना, अभी तो सिर्फ एंट्री है। सो फ्रेंड्स अभी हमने फाइनली चिड़ियाघर में एंट्री कर ली है और अभी हमने यहाँ पर फिर से एक टोकन लिया है जो हम इस यहाँ पर ये गाड़ी में बैठे हैं और ये गाड़ी हमें पूरा चिड़ियाघर घुमाने वाली है क्योंकि ये चिड़ियाघर अंदर से घूमने के लिए 5 किलोमीटर है। तो जब यहाँ पर ये फैसिलिटी मिल रही थी तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर इस गाड़ी का टोकन ले लिया है और यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके का एक मेक बैंड मिला हुआ है और काव्या का टिकट फ्री है, कार्तिक का हाफ है और हम दोनों का फुल टिकट है। तो गाड़ी का बड़े लोगों का 70 और का 30 रुपये और काव्या का फ्री है। तो बस अभी हम लोग इसी गाड़ी के थ्रू पूरा चिड़ियाघर घूमने वाले हैं। तो अभी पीछे सब लोग बैठे हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़ी गाड़ी है, बहुत सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं और जब भी जैसे कोई जानवर वगैरह हमें देखता होगा तो हम वहाँ पर उतर जाएंगे और फिर जब भी जो भी गाड़ी मिलेगी हम फिर से नेक्स्ट गाड़ी में चेंज कर बैठ सकते हैं, ये हमें बताया गया है। तो फिर इसलिए हम लोग इस गाड़ी में बैठे हैं और इसी गाड़ी से आज हम लोग पूरा चिड़ियाघर घूमेंगे।
लिए एक आइसक्रीम ली है और बच्चों को फ्रूटी दिलवाई है क्योंकि हम लोग चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो काव्या बहुत देर से बोल रही थी मम्मी मुझे एक फ्रूटी दिला दो, तो मेरे अंदर एनर्जी आई कि मुझसे चला नहीं जा रहा है और मैंने उसे काफ़ी देर तक गोदी भी लिया था जबकि हम लोग गाड़ी से यहाँ पर घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ पर घूमने के लिए, बहुत लंबा है पैदल चलने के लिए, गाड़ी से आओ फिर भी बहुत ज़्यादा है, अंदर पूरे रास्ते बने हुए हैं। तो अभी पहले मैं यहाँ पर बैठकर आइसक्रीम खाऊंगी, उसके बाद फिर हम लोग आगे घूमना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर घूमते घूमते चलते चलते हालत ख़राब हो गई है और यहाँ पर पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा ये है हिप्पोपोटेमस, चार हिप्पोपोटेमस है, चार है पांच है, एक तो निकल गया, एक छोटा बच्चा है। यहाँ पर आने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बच्चों को एनिमल देखने में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, हर चीज़ पढ़ पढ़ कर कि हम लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये है हिप्पोपोटेमस का साउंड जो कि वो बोला। और यहाँ पर स्कूल के भी बहुत सारे बच्चे आए हैं, हमारे पास बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा है, मतलब हम पहले यहाँ कभी नहीं आए लेकिन आज बच्चों ने यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और यहाँ पर बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, सब लोग हिप्पोपोटेमस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। कैसा लगा नाती की आपको? देखो उसने मुँह बाहर निकाला पानी से। चलते चलते हालत खराब हो गई, इतना पैरों में दर्द हो गया है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ गई हूँ। पीछे भी है क्या आपको देखना है काफी? यस, जाओ आप पापा के पास। और बैक साइड में है वाइट डियर, बच्चों को ये सब देखना है। चलो गाड़ी पे आ गई है, जल्दी चलो, रुको 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 रुको, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठेंगे। चलो भैया काव्या, स्कूटर स्कूटर देख रही हो, एनिमल देख रही हो, स्कूटर काते क्या देख लिया आपने? एलिफेंट देखकर कैसा लगा आपको? बहुत मन खा लेती है, एलिफेंट कितना बड़ा होता है। अरे काव्या जी सुन लो। हाँ बोलो। मैंने ना वो देखा क्या? मैंने वो देखा था। हाँ लो टाइगर, कार्तिक चलो देखते हैं कहाँ पर है। रास्ते से सब लोग हट जाओ। यही जगह होगी वो खींच के ले गया था, क्यों कैसा लग रहा है कहते को टाइगर देख के? बहुत डरावनी आवाज आ रही है, गुस्सा कर रहा है। हाँ, भूख लग रही है, भूख लगी है, भूख लग रही थोड़ा है। वो ये वाला ही तो नहीं जो आप कह रही थी, क्योंकि तगड़ा सा लग रहा है कुछ ज्यादा ही, क्यों कैसा लग रहा है काव्या? क्रोकोडाइल अच्छा लग रहा है, मरा हुआ
30 30 कर दी हो दी 30 कटिंग हां मरा हुआ है इसकी पीठ पर निशान है अच्छा फाइनली हमने पूरा चिड़ियाघर घूम लिया है और यहां पर सबसे अच्छा क्या लगा कार्तिक आपको मुझे तो टाइगर वाइट टाइगर और हिप्पोपोटामस और डियर भी अच्छा था कौन सा डियर तो बहुत तरीके के थे अब तो नाम भी नहीं याद रहे लेकिन चिड़ियाघर बहुत अच्छा है जो यहाँ पर कभी नहीं आए हैं तो आप लोग भी घूमने आइए और अपने बच्चों को घुमाने लाइए सबको बहुत अच्छा लगेगा जैसे कि हम लोग सिटी में रहते हैं तो बच्चों को ऐसी कुछ भी चीजें देखने को नहीं मिलती है बहुत सारे एनिमल है मतलब छोटी जगहों पर गाँव में तभी देखने को मिल जाते हैं लेकिन जो हम लोग दिल्ली में ही रहते हैं मंकी है बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं मिलती है तो आपको सारे एनिमल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा तो अभी फाइनली हमने पूरा चिड़ियाघर घूम दिया है और अभी हम लोग बस यहाँ से बाहर निकलेंगे और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे सीपी तो चलिए जल्दी से सीपी चलते हैं।